दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से माप के लिए भारतीय डाक विभाग भर्ती दिसंबर 2022 की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2022 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के अंतर्गत बम्पर भर्ती होने जा रही है। 98,083 पदों पर ये भर्ती चलेगी। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए आवेदन करने का सुनहरा अवसर है। खास बात इस भर्ती की ये रहेगी कि यहाँ पर आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेलगार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर 2022 में जारी होने जा रहा है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी दिसंबर 2022 से ही स्टार्ट होगी। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहां पर पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं भारतीय डाक विभाग भर्ती 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट इसमें पोस्टमैन, मेलगार्ड और मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की। टोटल 98,083 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। पोस्टमैन के लिए इसमें यहाँ पर 59,099 खाली पद है। मेलगार्ड के लिए 1,445, MTS के लिए 37,539 वैकेंसीज है। बात अगर यहाँ पर पोस्ट वाइज और सर्कल वाइज वैकेंसीज की जाए तो आप यहाँ से पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर PDF आपको दे दी गई है। सभी सर्कल के लिए वैकेंसीज है यहाँ पर, आप देख सकते हो, जैसे कि AP सर्कल और साथ साथ असम सर्कल, बिहार सर्कल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, HP, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, MP, महाराष्ट्र, साथ साथ उड़ीसा, NE सर्कल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सभी सर्कल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज आप चेकआउट कर सकते हो। पोस्टमैन, मेलगार्ड, MTS के लिए यहाँ पर आपको सभी सर्कल वाइज वैकेंसीज दे दी गई है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर दिसंबर 2022 से आवेदन स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की जनवरी 2023 में होगी। सैलरी पोस्टमैन या मेलगार्ड के लिए 21,700 से 69,100 है लेवल 3 के अंतर्गत। मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के लिए 18,000 से 56,900 है लेवल 1 के अंतर्गत। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 32 वर्ष है। फीस जनरल या OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है। SST को फीस जमा नहीं करनी होगी। बिना एग्जाम के भर्ती है, मेरिट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। indiapost.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में बाकी की जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका रिक्रूटमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस का रिक्रूटमेंट पेज है यहाँ पर, जल्द ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन भी आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। लिंक यहाँ पर पोर्टल पर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।